ये देखिए अनियंस आ गई है यहाँ पर, रेड चटनी आ गई है यहाँ पर, मसूर की दाल आ गई है यहाँ पर, आलू गोभी की सब्जी आ गई है और यहाँ पर ये लजीज सा डिलीशियस सा पराठा आ गया हमारा, स्टफ पराठा, गोभी वाला पराठा, चीज़ वाला पराठा और आलू वाला पराठा। तो अब मैं टेस्ट करके देखता हूँ जी कैसा है। ये मैंने सब्जी ले ली है जो इनकी आलू गोभी की सब्जी है, वेलकम बैक टू संजीव फैमिली ब्लॉग। आज मैं आया हूँ बल्लूपुर चौक देहरादून और यहाँ पर टेस्ट करते हैं यहाँ के पराठे। आंटी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आज हमें आप पराठे खिलाइए जी, आलू के स्टफ पराठे के लिए। यहाँ पर आलू भी आ गया है, आंटी छील रही है आलू को। ये देखिए प्याज वगैरह भी रखी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला रखा हुआ है आलू का, और ये हमारे लजीज लजीज से डिलीशियस से पराठे हैं। और ये भाई साहब ये चीज़ वाला पराठा लगेगा, तो आंटी ने स्मैश कर दिया, मिक्स कर दिया है चीज़ आलू के मसाले के साथ। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्याज है हमारी और ये मसाले वगैरह डाल रही है, मिर्च डली है हमारी और ये नमक स्वाद के अनुसार। तो इस तरीके से इसे मिक्स वगैरह कर लिया जाता है जब मसाला बनता है हमारे पराठों का। तो आंटी कितने टाइम से आप बना रहे हैं यहाँ पर? मेरे को तो बहुत साल हो गए, करीब 30-40 साल हो गए। आंटी को 30-40 साल हो गए हैं, आप देख सकते हैं तो पराठा कितना लजीज बनेगा, कितना डिलीशियस बनेगा। एक्सपीरियंस ऑलवेज काउंट। ये जी पेड़ी आ गई है पराठे के लिए और इस तरीके से आंटी ये गोल गोल कर रही हैं, फिर इन्हें बनाएंगी। देखिए इस तरीके से गोल किया जाता है, आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। और ये हमारा जी मसाला आ गया है यहाँ पर, आलू का मसाला आ गया, इसमें आलू है, पनीर है और प्याज वगैरह। प्याज है, पनीर है, गोभी है। हाँ जी प्याज है, पनीर है, गोभी वगैरह का स्टफ है, तो ये सारी चीज़ें डली हैं इसमें। हाँ जी मिक्स पराठा कहलाता है ये। और ये जी आ गया हमारा तवे पर। और आंटी आंच वगैरह कितनी रखते हैं हम? आंच बहुत हल्की रखते हैं। हाँ जी हल्की आंच रखते हैं, उससे जलेगा नहीं और अच्छी तरह से सिक जाएगा। इसमें बटर लगाया हमने। हाँ जी इसमें हम बटर यूज कर रही हैं आंटी। ये जी इस तरीके से बटर वगैरह यूज होता है भाई साहब। आंटी कितना टाइम लग जाता है पराठा बनने में? देखिए ये बन के तैयार है, इसमें करारापन भी आपको साफ नजर आ रहा है। हाँ जी इस तरीके से इसे काट लिया जाता है, इसकी स्लाइस कर ली जाती है। हाँ ये हमारा तैयार हो गया, अब आप इसे खा लीजिए। ये स्टफ पराठा तैयार हो गया, रेडी टू सर्व। ये इसमें ये जी बन के तैयार है हमारा मिक्स स्टफ पराठा। आगे वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो पर एंड तक बने रहें। और फिर हमारा स्टफ आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं जो आलू वगैरह का जो चीज किया था आंटी ने, आलू किया था और इसमें गोभी वगैरह भी थी, तो इस तरीके से ये आ गया है, डो बन गया है और आंटी इस तरीके से बेलेंगी। और ये आलू की सब्जी भी सर्व की जाती है, ये हमारी प्लेट तैयार है। ये देखिए इसमें पराठा आ गया है, इसमें आलू गोभी की सब्जी आ गई है और ये दाल कौन सी भैया हमारी? मसूर की। हाँ जी ये हमारी मसूर की दाल भी आ गई है जी, और प्लेट ऑलमोस्ट रेडी टू सर्व। ये देखिए अनियंस आ गई है यहाँ पर, रेड चटनी आ गई है यहाँ पर, मसूर की दाल आ गई है यहाँ पर, आलू गोभी की सब्जी आ गई है और यहाँ पर ये लजीज सा डिलीशियस सा पराठा आ गया हमारा, स्टफ पराठा, गोभी वाला पराठा, चीज़ वाला पराठा और आलू वाला पराठा। और यहाँ पर ये भाई साहब हमारी आ गई है आलू गोभी की सब्जी, और जी ये हमारी मसूर की दाल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से इसका टेक्स्चर है, किस तरीके से ये बनी है। ये हमारे यहाँ के टाइमिंग्स क्या है?
ये आपका सुबह 9-9 बजे से स्टार्ट हो जाता है हमारा ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच आपका 3 बजे तक मिल जाता है आपको, और उसके बाद रात को 10 बजे तक। रात को 10 बजे तक। और ये बताइए यहाँ का एड्रेस क्या है? ये भी आपका 31 बल्लूपुर पड़ता है, नियर घनशाला डेंटल केयर। हमारे साथ हैं भैया के कस्टमर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका पराठा है, यहाँ पर ये आपकी दाल आ गई है, यहाँ पर आपकी ये चटनी आ गई ग्रीन चटनी। तो भैया कैसा लग रहा है आपको यहाँ का टेस्ट? अच्छा, तो आप रेगुलर कस्टमर हैं, कब से आ रहे हैं? अच्छा, तो इस तरीके से भैया रेगुलर हैं और यहाँ पर ये करारे पराठों का स्वाद चख रहे हैं। जी अब मैं टेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। ये पराठा है, ये देख सकते हैं आप, ये स्टफ है, ये देखिए आलू वगैरह भी है, इसमें चीज़ भी लगा हुआ है और प्याज वगैरह भी लगी हुई है। तो अब मैं टेस्ट करके देखता हूँ जी कैसा है। ये मैंने सब्जी ले ली है जो इनकी आलू गोभी की सब्जी है। आलू गोभी की सब्जी है तो गोभी का बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है, और साथ में जो इनकी चटनी है रेड चटनी है उसका भी बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है, और जो चीज़ वगैरह है प्याज है जो स्टफिंग है ना उसका भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है। और जो परोठों का करारापन है ना वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है। ओवरऑल टोटली अच्छे बने हैं परोठे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगले किसी अच्छे वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर।